अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैंने एक वीडियो पिज़्ज़ा की डो की अपलोड की थी, अब दूसरी वीडियो मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने कीमा लिया है, चिकन कीमा लिया है, और मैं लेग टिक्का लिया है। और पहले मैं चिकन कीमे को थोड़ा सा मसाले डाल के भून लूँगी, इसके बाद मैं लेग टिक्का की छोटी छोटी बोटियाँ की हुई हैं उसको भून लूँगी अच्छी तरह से। और चिकन कीमा में मैंने मसाले ऐड किए हैं, थोड़ी सी पपरिका डालूँगी, स्पाइसी वाला नहीं मैं इतना बना। स्पाइसी बनाने के लिए आप चाहे इसमें चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, गरम मसाला और थोड़ा सा कलर देने के लिए, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए मैंने तंदूरी मसाला भी ऐड किया है। जब तक ये कीमा अच्छी तरह भुन नहीं जाता मैं इसको पकाऊंगी। दो तीन मिनट और पकाने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसी पैन में अब मैं लेग टिक्का जो है वो इसी में मैं इसी तरह पका लूँगी अच्छी तरह से मसाले डाल के। एक टीस्पून मैं कुकिंग ऑयल इसमें डालूंगी। एक दो मिनट पकाने के बाद फिर इसमें मैं थोड़ी सी पपरिका, थोड़ा सा सॉल्ट और तंदूरी मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। पहले अच्छी तरह ऑयल डाल के अच्छी तरह इसको मैं पका लूंगी, इसके बाद मैं जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो ऐड करूंगी। अगर आप स्पाइसी पिज्ज़ा टॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें रेड चिली और ग्रीन चिली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्पाइसी इतना नहीं बना रही इसलिए मैंने इसमें पपरिका ऐड की है, वो इतनी स्पाइसी नहीं होती। बस इसी तरह जब इनका लेग टिक्के का भी पानी जब ड्राई हो जाएगा तो इसको मैं इसी तरह प्लेट में निकाल दूंगी और फिर मैं पिज्ज़े की टॉपिंग करूँगी। लेग टिक्का भी हमारा तैयार है पिज्ज़े के लिए। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही चीज़ें काट के रख ली हैं, प्याज है और पेपर्स हैं और पाइनएप्पल है थोड़ा सा और स्वीट कॉर्न है। ये मैं इसकी टॉपिंग में यूज़ करूँगी। आप चाहे तो इसमें मशरूम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अब मैं बेस के ऊपर जो सा सबसे पहले टमाटर प्यूरी यूज़ करूँगी और स्पून की मदद से मैं सारी तरफ ऐसे लगा लूँगी। इतनी ज़्यादा हम टमाटर प्यूरी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी खट्टी होती है ये। आप चाहें तो थोड़े से पानी में भी इसको मिक्स करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। और उसके बाद पहले मैं कीमे की तह लगाऊँगी, उसके बाद मैं चिकन टिक्का है जो वो मसाला लगा हुआ वो इसके ऊपर रखूँगी और साथ साथ सारी चीज़ें ऊपर लगाती रहूँगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है, घर में आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ है, मैंने 7 डिग्री पे ओवन को ऑन किया हुआ था पहले से ही, और 15 से 20 मिनट लगेंगे हमारा पिज़्ज़ा बनने में। और सबसे ऊपर जो सी है वो हम चीज़ लगा देंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे पिज़्ज़ा तैयार होने में। पिज़्ज़ा बनते हुए हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।